आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो राजस्थान में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा, सीएम बजलाल के पास गृह विभाग तो दिया कुमारी को मिला है वित्त मंत्रालय। राजस्थान में बजलाल सरकार के मंत्रियों के विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। सीएम बजलाल शर्मा के पास गृह विभाग रखा गया और आबकारी विभाग रखा गया है। तो वही डिप्टी सीएम जो है दिया कुमारी, उनको वित्त पर्यटन सहित 6 विभाग दिए गए हैं। वही डिप्टी सीएम जो है दूसरे प्रेमचंद बेरवा, उनको परिवहन के साथ साथ 4 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। कृषि, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन मंत्री जो है करोड़ीलाल मीणा को बनाया गया है। इसी तरह शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा की जिम्मेदारी मदन दिलावर को दी गई है। वही जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग जो है बाबूलाल खराड़ी और ऊर्जा विभाग जो है हीरालाल नागर को दिया गया है। बता दें आपको कि राजस्थान में 30 दिसंबर को जो है 22 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इसके बाद जो है विभागों का बंटवारा जो है उसको लेकर जो है यहाँ पर कामयाब जो है वो शुरू हो गई थी। वही करुणा मीणा को जो है 4 विभाग दिए गए। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जो है वाणिज्य, उद्योग और खेल विभाग समेत 5 विभाग जो है वो मिले हैं। वही गजेंद्र सिंह खीवसर को जो है चिकित्सा और शिक्षा विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा सेवाएं विभाग जो है यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा कन्हैया चौधरी को जो है भूजल विभाग और जन स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, और जोगाराम पटेल को जो है संसदीय कार्य विभाग और न्याय विभाग, विधि और विधेयक विभाग और विधि परामर्श कार्यालय दिया गया है। इसके अलावा पुष्कर से विधायक सुरेश रावत को जल संसाधन विभाग और जल संसाधन आयोजना विभाग दिया गया। इसके अलावा अविनाश गहलोत को जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मिला है। इसके अलावा चोराराम कुमावत को पशुपालन डेयरी विभाग, देवारस्तम विभाग और सुमित गोद्रा को खाद्य एवं नागरिकत्व विभाग और उपभोक्ता मामले के विभाग जो है इसको यहाँ पर सुमित गोद्रा को दिया गया। इसके अलावा हेमंत मीणा को राजस्व विभाग और उपनिवेशन विभाग जो है वो दिया गया है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में बढ़ती सर्दी को देखते हुए इन राज्यों में स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों को बढ़ाया गया आगे। राजस्थान में जो है जयपुर में कड़ाके की ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूलों को जो है 13 तारीख तक जो है बढ़ा दिया गया है। इनकी छुट्टी को 13 तारीख तक बढ़ा दिया गया। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने इस संबंध में आदेश जो है वो जारी किया है। वही आगामी दिनों में तापमान गिरने और सर्दी का प्रकोप बढ़ने और शीतलहर चलने की संभावना को देखते हुए जिला कलेक्टर ने अवकाश जो है वो अवकाश के आदेश जारी किया। इस दौरान शिक्षा एवं संचालित परीक्षाओं का समय पहले की तरह ही रहेगा। वही 14 जनवरी को रविवार की छुट्टी और 15 तारीख को जो है जयपुर में मकर संक्रांति का अवकाश भी पहले से ही घोषित है। तो ऐसे में 16 तारीख को जो है जयपुर में स्कूल्स जो है वो खुलेंगे। वही शिक्षा निदेशालय जो निदेशक जो है काना राम, उन्होंने आदेश जारी कर इस संबंध में जिलों के कलेक्टरों को सर्दी प्रकोप देखते हुए छुट्टी के लिए अधिकृत यहाँ पर किया है। वही राज्य के स्कूल जो है 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश जो है उनको घोषित यहाँ पर किया गया था। इसके अलावा सीकर जिला कलेक्टर ने भी जो है सरकारी स्कूलों में जो है यहाँ पर छुट्टी को जो है अब 13 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है। सीकर में भी जो है 13 तारीख तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा बीकानेर में भी जो है 6 जनवरी और सरकार निजी स्कूल वापस खुलेंगे। हालांकि सर्दी के प्रकोप को देखते हुए बीकानेर जिले में बच्चों की जो छुट्टियाँ बढ़ाने की मांग जो है वो लगातार उठ रही है। इसके अलावा जो है झालावाड़ में भी जो है सितम को देखते हुए 8वीं कक्षा तक बच्चों को राहत दी गई है। जिला प्रशासन ने 8 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी है। वही सवाईमाधोपुर में 11 जनवरी तक जो है अवकाश रहेगा। इसके अलावा जोधपुर में भी जो है जिला कलेक्टर हमंशु गुप्ता ने बताया कि स्कूलों में अवकाश संबंध में जो आदेश जो है वो जारी किया जाएगा, वही आज जो है आदेश जारी हो सकता है। इसके अलावा अजमेर में भी जिला कलेक्टर ने जो है अजमेर जिला कलेक्टर ने 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए जो है 13 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया है। वही मौसम विभाग ने जो है कहा है कि राजस्थान में 7 तारीख से एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके कारण उदयपुर और कोटा संभाग के कई जिलों में बारिश की संभावना है। बारिश के बाद जो है सर्दी में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई का नाम बदला, पीएम के सामने सीएम बजनलाल शर्मा ने की है घोषणा। राजस्थान सरकार ने जो है इंदिरा रसोई योजना का नाम जो है बदल दिया। प्रधानमंत्री मोदी के सामने भाजपा के जो प्रदेश कार्यालय मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा ने घोषणा की। उन्होंने कहा है कि पुरानी योजना जो है उसमें कई तरह की खामियां थी। योजना का नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना यहां पर रखा गया है। वह पीएम मोदी ने 3 दिवसीय जयपुर के दौरे पर जो है पीएम मोदी जो है जयपुर यहां पर रहेंगे। 3 दिन तक जयपुर में रहेंगे और मंत्री और पार्टी विधायकों के साथ और मंत्रियों के साथ जो है उन्होंने चर्चा की। वही मोदी ने जो है फ्लैगशिप योजनाओं और नमो ऐप को लेकर जो है विधायकों से संवाद किया। इस बैठक में जो है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जो है कार्यक्रम में नहीं पहुंची। इस तरह से कई सियासी अटकलें यहां पर इसको लेकर लगाई जा रही है।
हैं।